सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये यूनिट 3 द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग का सेकंड चैप्टर है। इससे पहले वाले जो चैप्टर यूनिट 3 का ही चैप्टर नंबर 6 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप सो आपने उस चैप्टर को पढ़ लिया होगा। चैप्टर के एक्सप्लेनेशन भी हो चुके हैं, उसके साथ साथ एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग कवर कर चुके हैं। ओके, नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको फर्स्ट से लेकर के सिक्स चैप्टर के प्लेलिस्ट की आपको लिंक मिल जाएगी। आप उस पर क्लिक कीजिएगा, किसी की भी जिसकी भी आपको पढ़नी है, जिस चैप्टर की भी जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है उसकी प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, आपको उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मैंने वीडियोज डाली है वो आपको मिल जाएंगे। ओके, चैप्टर नंबर 7 सेल। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, समझ में आ रहा है? बिकॉज ये चैप्टर न सिर्फ अभी के लिए बल्कि आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे, जब भी आप सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में, वहां पे ये होगा कि उसको आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप जो भी चीज पढ़ेंगे तो आप इतनी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, उसको थोड़ी थोड़ी से थोड़ा थोड़ा सा आप ऑर्गेन्स के बारे में, सेल के बारे में, अलग अलग टाइप की सेल के बारे में, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में आप पढ़ेंगे। पर जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पे आपको और डिटेल में पढ़ाया जाए। ओके, तो हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं भाई? हम लोग इस चैप्टर में सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेल होती है ना, जो जैसे हमारी बॉडी है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, दुनिया का कोई भी लिविंग थिंग जो भी होगी, चाहे वो प्लांट हो या वो एनिमल्स, तो उसके अंदर सेल पाई जा रही है, यानी उसकी जो बॉडी बनी हुई है वो एक सेल की बनी हुई होगी। तो उस सेल का क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यानी कि वो सेल दिखने में कैसी है, उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हो रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं। ओके, तो हम लोग इसके बारे में, और टोटल इस चैप्टर में बस हम लोग सेल ही के बारे में पढ़ेंगे कि भाई जिस सेल से एक पूरी ऑर्गेनिज्म की, एक पूरी एक पूरे ऑर्गेनिज्म की या एक उसका बॉडी बनी है, तो वो मतलब है क्या चीज, ठीक है। सो यू विल लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर वेरिएशन इन सेल्स। तो आपको सबसे पहले इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि भाई सेल में वेरिएशन होती है, यानी कि सेल जो है वो आपकी अलग अलग टाइप की दिखाई देंगे। अब वो वेरिएशंस जो होती है वो उनके नंबर में भी हो सकती है कि भाई बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल के बने हुए होते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारे सेल्स के बने हुए होते हैं। फिर हम लोग सेकेंड जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रिपेयरिंग अ स्लाइड टू व्यू सेल्स, कि जब हम किसी सेल को देखना चाहते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के, किसी भी लिविंग थिंग के सेल को अगर हम लोग देखना चाहते हैं, तो उससे पहले जो स्लाइड को प्रिपेयर किया जाता है, जब हम लोग माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में या सिंपल माइक्रोस्कोप में जब हम लोग उसको देखते हैं, तो स्लाइड को, उसको देखने के लिए उससे पहले क्या तैयारी की जाती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कैसे स्लाइड को प्रिपेयर किया जाता है। फिर हमारा थर्ड टॉपिक होगा स्ट्रक्चर ऑफ अ जर्नलाइज्ड सेल। एक जर्नल जो सेल दिखाई देती है, चाहे वो प्लांट्स की सेल, प्लांट सेल हो या वो एनिमल सेल हो, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्लांट एंड एनिमल सेल, ठीक है, कि प्लांट की और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, ठीक है, वो उनमें सेल वॉल पाई जा रही है, नहीं पाई जा रही है, क्या चीज, मतलब क्या डिफरेंस है, किस शेप की है वो, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और फिर लास्ट में हम लोग थोड़ा सा सेल डिवीजन और ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे कि भाई सेल कैसे डिवाइड करती है और कैसे ग्रो हो रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आप एक बच्चे को ही देख लो, तो एक बच्चा जब वो बचपन में जब वो पैदा होता है तो कितना छोटा सा होता है, ठीक है, उसके बाद वो बढ़ते जाता है, तो वहां पे जो बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है भाई, सेल की ग्रोथ हो रही है, यानी कि उसके अंदर की जो सेल है वो डिवाइड कर रही है, डिवाइड के साथ साथ वो ग्रो कर रही है, तो वो सेल जो है, ऐसा नहीं कि वो सेल फैल रही है, नहीं, सेल फैलती नहीं है, सेल जो है वो डिवाइड होती है। और यही डिवीजन अगर इरेगुलर हो जाता है तो यही चीज कैंसर का रूप ले लेती है। इसके बारे में हम लोग जो है वो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि वही जो कैंसर होता है वो किस तरीके से होता है। अल्टीमेटली इरेगुलर डिवीजन ऑफ सेल, सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर। ओके, कि जब सेल जो है वो इरेगुलरली डिवाइड करने स्टार्ट हो जाती है तो वो कैंसर बन जाता है। एनीवे, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। चैप्टर में हमारे फर्स्ट जो लाइन है वो क्या है, ऑल लिविंग थिंग्स कैरी आउट सर्टेन बेसिक सब्सटेंस, बेसिक फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन। जितने भी ऑर्गन, सॉरी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जितनी भी लिविंग थिंग है,
चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो एकदम बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो और चाहे वो बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, तो उसके अंदर कुछ बेसिक फंक्शन होंगे। ठीक है, उसके बेसिक फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं? तो भाई उसके बेसिक फंक्शंस ये है कि वो खाएगा, पिएगा, रिप्रोडक्शन करेगा, मूवमेंट करेगा। तो इन सभी चीजों के लिए उसके पास अलग अलग ऑर्गन्स हैं। ठीक है, नीलू'स टीचर हैड गिवन हर सम पिक्चर कार्ड्स, हेल्प नीलू टू नेम द कार्ड्स यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो। नीलू एक बच्ची है, उसके टीचर ने उसको कुछ पिक्चर कार्ड्स दी हुई है, तो आपको क्या करना है, उन पिक्चर कार्ड्स को देखना है और उनको और उसके बारे में बताना है कि ये क्या कहलाती है। ठीक है, तो अगर आप नीलू के पहले पिक्चर कार्ड को देखो तो ये पहला जो पिक्चर कार्ड है ये किसी एक सेल का है, तो हम यहाँ पे नीलू की मदद करते हुए हम यहाँ पे सेल लिख देते हैं कि भाई ये सेल है। ठीक है, एक सेल दिखाई दे रही है ना आपको, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, सेल है। ओके, अगर हम इसके नीचे आते हैं तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारी सेल जो है वो एक जगह मिली हुई है, तो जब बहुत सारी सेल एक जगह होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू। ओके, उसके बाद यह आप देख रहे हैं अलग अलग टाइप के आपको ऑर्गन्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये किडनी है आपकी, ये ब्रेन हो गया, ये आपका आपके लंग्स हो गए, ये आपके इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है, ये आपका स्टमक हो गया, ये हार्ट हो गया, ये आपका लीवर हो गया, तो ये क्या है, ये एक अलग अलग क्या है, ऑर्गन्स, राइट। तो हम इनको क्या बोलेंगे, ये एक ऑर्गन है, एक ऑर्गन होगा तो सिर्फ एक ऑर्गन, और जब बहुत सारे होंगे तो ऑर्गन्स होंगे। उसके बाद अगर हम इसको देखें, इस पिक्चर कार्ड को, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपको एक सिस्टम दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत सारे ऑर्गन जो हैं वो एक काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से खाना आ रहा है, खाना जो है वो यू नो स्टमक में जा रहा है, स्टमक से इंटेस्टाइन में जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे आप एक सिस्टम हो रहा है, एक सिस्टम के तहत बहुत सारे ऑर्गन एक सिस्टम कर रहे हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद अगर आप इस बच्चे को देखें, ये शरारती सा बच्चा, तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, राइट। चलिए आगे चलते हैं, सेल्स आर कॉल्ड द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एन ऑर्गन। सेल को अगर आप डिफाइन करना चाहें या आप सेल के बारे में बोलना चाहें कि भाई सेल क्या है, तो सेल को आप जो है किसी भी ऑर्गन का स्ट्रक्चर यूनिट भी कह सकते हैं, कि भाई कोई भी ऑर्गन जो सेल होता है वो उस ऑर्गन का स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब ये है कि उसकी फॉर्म बनाता है कि वो किस टाइप की होगी। दीज में बी कंपेयर टू द ब्रिक्स ऑफ अ वॉल। आप इसको ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे कि बहुत सारी ईंटें मिला करके हम लोग एक एक ईंट पे दूसरी ईंट, दूसरी ईंट पे तीसरी, तीसरी पे चौथी रख करके हम एक वॉल बनाते हैं, इसी तरीके से जो सेल होती है, सेल को भी आप इसी तरह कंपेयर करें कि सेल भी आपकी सेम टू सेम ब्रिक्स की तरह दिखेगी, वो भी एक के साथ मिलकर के दूसरी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, मतलब एक साथ मिलकर के जो है एक ऑर्गन को बनाती है, एक ऑर्गन को बनाती है, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम से जो है पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ओके, समझ में आ रहा है। सो एज ब्रिक्स आर असेंबल टू मेक अ वॉल, सिमिलरली सेल्स आर असेंबल टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि जिस तरीके से एक ब्रिक जो है वो आपस में इकट्ठी होकर के एक वॉल बनाती है, तो इसी तरीके से सेल भी जो है वो एक ऑर्गेनिज्म बना रही है। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट सेल। तो चलिए आइए सेल के बारे में हम लोग थोड़ा सा और जानते हैं कि सेल के अंदर होता क्या है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरीके से एक ब्रिक वॉल है, इसी ये आप ये अनियन का, ये जो अनियन होता है, अनियन का जो छिलका होता है, छिलके के अंदर आपने एक और लेयर देखी होगी व्हाइट सी, जब आप उसके छिलके को उतारो तो उसके अंदर एक व्हाइट सी लेयर होती है। ठीक है, वो एक मेम्ब्रेन होती है, तो जब उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया तो वो आपको इस तरीके से दिखाई दे रही। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर अगरचे मतलब जो इनकी शेप है वो इरेगुलर सी है ना, लेकिन फिर भी एक कंपार्टमेंट की तरह है ना, एक ब्रिक की तरह दिखाई दे रही है आपको। तो इसी तरीके से जैसे हम काफ़ी सारी ब्रिक्स को मिला करके एक सेल एक वॉल बनाते हैं, तो इसी तरीके से काफ़ी सारी सेल मिला करके भी एक ऑर्गेनिज्म बनता है। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वेरिएशन इन सेल्स, कि सेल में वेरिएशन दिखाई देती है, कि भाई सेल जो है, अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म आपको ऐसा दिखेगा जो कि सिर्फ एक ही सेल का बना हुआ होगा, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे दिखेंगे जो कि आपको बहुत सारे सेल के बने हुए, या फिर आप इस तरीके से भी, ये तो वेरिएशन आपका शेप में हो गया, साइज में भी आप बहुत सारे वेरिएशन देख सकते हैं सेल के, कि सेल जो है वो जो हमारी नर्व सेल है जिसे हम न्यूरॉन भी कह सकते हैं वो अलग टाइप की दिखाई देगी, जो आपकी मसल सेल है वो अलग टाइप की दिखाई देंगी, जो आपके स्किन सेल है वो अलग टाइप की दिखेंगी। अगर आप साइज की बात करें तो साइज भी सेल का अलग अलग होता है, जो नर्व सेल होती है, न्यूरॉन जो होती है वो लॉन्गेस्ट सेल होती है हमारी बॉडी की। ठीक है, फिर मसल सेल्स होती है,
फिर उसके बाद आप जो है यू नो फिर हमारी बॉडी में और भी बहुत सारी सेल पाई जाती है, या फिर अगर आप किसी एक वैसे भी ऑर्गेनिज्म जैसे कि आप बैक्टीरिया की बात कर ले, तो बैक्टीरिया सिर्फ एक ही सेल का बना होता है, ठीक है, पैरामीशियम ये सारे एक ही सेल के बने होते हैं। सो हम देख लेते हैं कि सेल की वेरिएशन किस टाइप की है। ऑल ऑर्गेनिज्म वेदर प्लांट्स एंड एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, ये सभी हम लोगों को पता है कि भाई सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल के बने हुए हैं, एक एक सेल के बने हुए। हमारे जो हमारा जो और हम कहाँ से आए हैं, हमारा अल्टीमेटली यू नो हम लोग पैदा कैसे हुए, तो हमारी जो पैदाइश हुई है तो वो एक सेल से ही तो हुई है ना, कि भाई जब दो सेल आपस में एक जगह मिलते हैं तो फिर एक सेल बनता है जायगोट, ठीक है, उस जायगोट से ही हमारा हम यू नो उसमें डिवीजन हुआ है, उसमें डिवीजन होकर होकर के वो एक जो है ऑर्गेनिज्म का उसने रूप ले लिया, ठीक है। सो द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ सेल। तो हम लोग यहाँ पे सेल की एक बेहतरीन सी डेफिनेशन, बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन आपको यहाँ पे मिल गई कि जो सेल, व्हाट इज सेल। अगर आपसे कोई पूछे कि सेल क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि सेल जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ सेल। समझ में आ रहा है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होगा वो सेल कहलाएगा। ये डेफिनेशन आपको एकदम जबान पे रटी होनी चाहिए। सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म शो वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ देयर नंबर, कि वो अपने नंबर में भी आपको वेरिएशन दिखा सकते हैं, कि कोई एक ऑर्गेनिज्म आपको सिर्फ एक ही सेल का बना हुआ दिखेगा, कोई से मल्टी सेलुलर होंगे जैसे कि हम, शेप में भी आपको दिखाई देगी और साइज में भी दिखाई देगा। लेट अस डिस्कस ईच ऑफ दिस वेरिएशन इन डिटेल। तो चलिए आइए हम लोग एक एक चीज को, यानी कि नंबर में कैसे वेरिएशन दिखा रहे, शेप में कैसे, साइज में कैसे, हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते। वेरिएशन इन नंबर, पहला क्या है कि हम लोग देख लेते हैं कि वेरिएशन नंबर में कैसे वेरिएशन। ऑर्गेनिज्म में भी कंपोज ऑफ वन सेल और ऑफ मेनी सेल, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई दे रहे हैं। हमने भी पढ़े भी कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सेल के ही बने हुए होते हैं, और एक सेल के बने हुए इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक सेल के बने हुए तो वो अपना कोई काम नहीं कर रहे, वो अपना सारा काम कर रहे हैं और उसी एक ही सेल में, मतलब उनकी पूरी बॉडी जो है वो एक ही सेल की बनी हुई है, लेकिन वो अपना खा भी रहे, पी भी रहे, रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अपना मूवमेंट भी कर रहे हैं, रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपको दिखेंगे मल्टी सेलुलर, लाइक जैसे कि हम लोग हैं, है ना, हम हैं जो यू नो जितने भी जानवर हैं हमारे आसपास, जितने भी जानवर हैं सब के सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हूज बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो भाई यहाँ पे एक हम लोग डिविजन कर लेते हैं कि भाई जो ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना हुआ है तो हम उसको कहेंगे ये यूनिसेलुलर है, ठीक है, यूनि का मतलब वन होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया जिसकी बॉडी जो है वो सिर्फ एक ही सेल की बनी हुई हो, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया जिसकी सेल जिसकी बॉडी जो है वो काफी सारे सेल की बनी हुई हो। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल आपका हो गया अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिनिया एंड बैक्टीरिया, और इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल वाइटल एक्टिविटीज सच एज फीडिंग, मूवमेंट, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो आप ये मत सोचिएगा कि अगर वो एक सेल का बना हुआ है तो अपना कोई काम नहीं कर रहा है, वो अपना सारा काम करेगा, उसको अपनी जिंदगी जीनी है तो अपनी जिंदगी जीने के लिए खाना भी खाएगा। जैसे कि आपने अगर आपने अमीबा का पूरा लाइफ साइकिल आपने पढ़ा हो तो आप देख सकते, आपने उसमें अमीबा में पढ़ा हो कि अमीबा की कोई शेप नहीं होती, इरेगुलर शेप होती है उसकी, तो वो क्या करता है, वो फीड भी करता है, जब उसको कुछ खाना होता है तो उसके जिस भी जो भी चीज उसको खानी होती है तो वो उसकी चारों तरफ जाकर के उसको घेर लेता है, फिर उसके अंदर एक वैक्यूल का निर्माण होता है, उससे वो अंदर उसको कर लेता है, फिर वहीं पे उसका सारा काम होता है कि उसको खा पी लेता है, ठीक है, और यू नो जो वेस्ट मटेरियल होता है उसी वैक्यूल के थ्रू उसको बाहर कर देता है, तो वो मूवमेंट भी कर रहा है, ठीक है, आपने देखा वो भाई किस तरह मूव करता है, जब उसको जाना होता है तो वो अपनी बॉडी उसी की जानी फैला लेता है। रेस्पिरेशन भी कर रहा है वो अपने डिफ्यूजन के थ्रू, उसके अंदर रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन भी कर रहा है, और जो अमीबा है वो कैसे रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो हमने ये आप देख रहे हैं कि कोई भी, चाहे वो एक से एक ही सेल का बना हुआ हो, चाहे वो ज्यादा सेल का, यानी मल्टी सेलुलर हो, वो सारे काम सारे अपने महत्वपूर्ण काम करेंगे। दस दिस सिंगल सेल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इसी वजह से ये जो सिंगल सेल होते हैं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं और ये ग्रुप में भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म हूज बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर आप वैसे ऑर्गेनिज्म को देखें जो कि काफी सेल की बनी हुई होती है तो हम उनको क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी का मतलब होता है मेनी, ठीक है, यानी कि बहुत सारे सेल के बने हुए ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं,
मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल आर ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि भाई सिमिलर टाइप के सेल, ठीक है, यानी कि एक ही टाइप के सेल जो है वो आपस में मिलकर के एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। दस डिफरेंट सेल्स कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस। इसी वजह से अलग अलग सेल्स जो है वो अलग अलग फंक्शंस करती है। मोस्ट प्लांट एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ज्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स जिसमें कि ह्यूमन बींग्स भी आते हैं वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, चलिए वेरिएशन इन शेप अब हम लोग देख लेते हैं कि शेप में कैसे वेरिएशन है। डिफरेंट सेल्स कैरिंग आउट डिफरेंट फंक्शंस एक्सिस्ट इन डिफरेंट शेप्स। अलग अलग सेल्स जो है वो अलग अलग फंक्शंस करती है, तो वो अलग अलग फंक्शन अगर कर रही है तो वो अलग अलग शेप के भी होंगे। दे कैन बी डिस्क शेप, वो डिस्क शेप की भी हो सकती है ना, जैसे एकदम फ्लैट होती है। पॉलीगोनल बहुभुज भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, ब्रांच ब्रांच भी हो सकती है, और इवन इरेगुलर या फिर ये कि वो इरेगुलर शेप की भी हो सकती है। द शेप ऑफ अ पर्टिकुलर सेल डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक फंक्शन इट परफॉर्म्स। अगर आपको आप करें कोई भी सेल किसी भी सेल की जो शेप है, किसी पर्टिकुलर सेल की शेप है, तो वो उसकी स्पेसिफिक फंक्शन जो कि वो परफॉर्म कर रही है वो सेल, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करेगी। लाइक जैसे कि आप मसल सेल्स की बात करें तो मसल सेल्स जो है ना वो आपको थीन और लॉन्ग, पतली सी और लंबी लंबी दिखेंगे, क्योंकि ये किस में मदद करती है, ये कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन में मदद करती है। तो ये आपको इनकी जो शेप होगी वो आपको थीन और लॉन्ग दिखेगी, ये पतली पतली सी होंगी और लंबी लंबी सी होंगी। नर्व सेल की बात करें तो नर्व सेल की जो इसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है कि ये जो है हमारे बॉडी में जितने भी मैसेजेस होते हैं, लाइक जैसे कि आपको कहीं पे चोट लगी, ठीक है, तो चोट लगी अगर आपको, तो वहाँ की जो वहाँ पे जो नर्व सेल होगी वो फोन मैसेज जो है वो हमारे दिमाग में लेकर के जाएगी, ठीक है, और हमारे दिमाग को मैसेज जाएगा कि भाई वहाँ पे कहीं पे आपकी बॉडी में चोट लगी है। तो इसकी वजह से ये जो है वो इलोंगेटेड शेप की होती है, और स्किन जो सेल होती है, जो हमारी स्किन की सेल होती है वो बहुत लंबा एरिया कवर करती है, तो इस वजह से वो फ्लैट और ब्रॉड शेप की होती है, कि चपटी चपटी, जैसे हमारी स्किन है ना बिल्कुल चपटी चपटी सी, इसी टाइप की वो होती है। तो कोई भी सेल वो जिस भी शेप की होगी तो वो उसके, चूंकि वो एक स्पेसिफिक फंक्शन वो परफॉर्म कर रही है, तो इसी हिसाब से उनकी शेप भी होती है। हियर आर फ्यू एग्जांपल्स दैट इलस्ट्रेट दिस। ठीक है, तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया। चलिए वेरिएशन इन साइज अब हम लोग देख लेते हैं कि ये साइज में कैसे वेरी कर रही है। मोस्ट आर माइक्रोस्कोपिक एंड कैन नॉट बी सीन विद द नेट आई। ज्यादातर सेल जो होती है वो माइक्रोस्कोपिक होती है कि आप उनको ऐसे नहीं देख सकते, आपको अगर देखना है तो उनको आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखना होगा। सेल साइज में वेरी फ्रॉम अ माइक्रोमीटर टू अ फ्यू सेंटीमीटर। तो सेल की साइज जो है वो ऐसा नहीं है कि हर सेल ही वो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख, कुछ सेल जो होती है जैसे कि ऑस्ट्रिच एग जो होता है वो 1 सेंटीमीटर होता है, अगर आप मीटर में बात करें तो 0.17 मीटर का, या अगर आप इंच, ये आपको समझ में नहीं आएगा, इंचेस में हम देख लेते हैं, तो इंच जो है ना वो आपकी 6 to 7 इंच के बराबर हो सकता है। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा ना 6 to 7 इंच कितना हो सकता है, तो उसके बराबर होता है। तो एक जो ऑस्ट्रिच का एग है ये सबसे बड़ी सेल है, ठीक है, सबसे लंबी लंबी नहीं बल्कि सबसे बड़ी सेल, जिसे हम लार्जेस्ट सेल कह सकते हैं। सो ज्यादातर जो सेल होती है वो माइक्रोस्कोपिक होती है। द स्मॉलेस्ट सेल आर बैक्टीरिया। तो ज्यादा जो सबसे छोटी सेल है वो कौन सी है, बैक्टीरिया। वर्ल्ड जनरली रेंज इन साइज फ्रॉम 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। और ये 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर के बराबर होती है, बहुत ही छोटी होती है। द लार्जेस्ट सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच विच इज 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, बहुत सारे लोग 150 मिलीमीटर बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग 160 बोल रहे हैं। तो आप ये समझ लिए कि 6 to 7 इंच के बराबर ये ऑस्ट्रिच का एग होता है और ये लार्जेस्ट सेल है। समझ में आ रहा है, इसको याद रखिएगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट सेल आप बताइए। नर्व सेल आर बिलीव टू बी द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। नर्व सेल के बारे में कहा जाता है कि ये जो है हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी सेल है। ओके, तो आपने देख लिया कि ना कि जो सेल है वो साइज में वेरी कर रही है, कि बहुत सारी सेल जो है वो आपकी सेंटीमीटर तक जा रही है, बहुत सारी सेल जो है वो आपकी एकदम माइक्रोमीटर में, एकदम न्यूमीटर जिसे हम कह सकते हैं। ओके, चलिए
अब हम लोग चलते हैं गेट इट राइट, ये एक लास्ट में एक छोटा सा था. सेल साइज हैज नो रिलेशन टू द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेल ऑफ से एन एलिफेंट बी मच लार्जर देन दोस ऑफ अ माउस. आपको आपको एक अच्छी सी बात बताई जा रही है कि भाई आप ये मत सोचिएगा कि अगर आपने एक एलिफेंट को देख लिया, बड़ा सा एलिफेंट को देख लिया और आप एक चूहे को देख रहे हैं, तो उसके अंदर का जो सेल का साइज है, कि एलिफेंट के सेल का साइज हो सकता है बहुत बड़ा बड़ा हो, ठीक है, यानी उसके जो साइज, उसकी जो सेल हो वो तो बहुत बड़ी बड़ी हो सकती है, और जो एक चूहा है उसकी सेल के साइज बहुत छोटा हो. मतलब आप ये तो सोचे, आप अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है ना कि भाई एलिफेंट इतना बड़ा है तो एलिफेंट की जो सेल होंगी वो भी इतनी बड़ी बड़ी होंगी, ऐसा नहीं है. चाहे ऑर्गेनिज्म कितना भी बड़ा हो जाए, उसकी सेल की साइज हर एक में एक ही रहती है, ठीक है. ये मतलब हर एक में एक ही रहती है का मतलब ये है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो सेल इतने सेंटीमीटर में है, तो हर ऑर्गेनिज्म में वो सेल जो है इतने ही सेंटीमीटर में आपको मिलेगी. ऐसा नहीं है कि वो बढ़ जाएगी, ठीक है, सेंटीमीटर में नहीं, माइक्रोमीटर में होती है तो बहुत छोटी होती है. ओके, तो आप ये मत सोचिएगा कि माउस में जो है सेल का साइज छोटा होगा और एलिफेंट में सेल का साइज बहुत बड़ा होगा. ओके, ऐसा नहीं. चलिए अब हम चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. अब हम सेल को इस तरीके से देख लेते हैं. अब हम सेल के अंदर जा रहे हैं, ठीक है. सेल के अंदर जाते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि कुछ सेल आप हमें ऐसी दिखाई दे रही है जिनमें की जो न्यूक्लियस है, सेल के बारे में आपने पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ा होगा क्लास में, कि एक सेल होती है, ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है वो एक वॉल टाइप की एक लेयर होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, वो कहलाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो हमने किस बहुत सारी सेलों में देखा कि उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, और उनका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो न्यूक्लियस उनके साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है, ठीक है, यानी कि उनका न्यूक्लियस जो है वो जो न्यूक्लियस तो है बट न्यूक्लियस के चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं. और ये ज्यादातर हमें किसमें दिखा, ये ज्यादातर दिखा हमें यूनिसेलुलर सेल, यानी कि जो एक ही सेल के बने हुए होते हैं, जो एक ही सेल के ऑर्गेनिज्म बने होते हैं, तो उनमें हमने देखा कि उनके अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही है, और उनका जो जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, डीएनए वगैरह पाया जाता है, तो उनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो कहाँ पे फ्लोट कर रहा है, साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर. तो हमने क्या किया, हमने उसके हिसाब से उनको डिवाइड कर दिया. कैसे, कि वैसे से जिनके जिनका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो वेरी सॉरी उनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो हमने उनको कह दिया प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है. प्रो मीन्स प्रिमिटिव, यानी कि प्राचीन या पहला, और कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब हो गया वैसे सेल जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, सही तरीके से प्रेजेंट नहीं है. और हमने वैसे से, जो कि हम अपनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर लें, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो सेल होती है उनके अंदर हर चीज जो होती है वो डिफाइंड वे में होती है, बिल्कुल सब चीज होती है, यानी कि न्यूक्लियस भी हो या न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होकर, और जो उनका जेनेटिक मटेरियल है डीएनए वो न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाए. तो हमने उनको बोल दिया यूकैरियोटिक सेल, यानी जिनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एकदम परसेंट है, दिखाई दे रही है. यूकैरियोटिक का मतलब क्या, यू का मतलब हो गया ट्रू, और कैरियोट का कैरियोट्स का मतलब हो गया न्यूक्लियस, यानी कि वैसे सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस पाया जा रहा है. ओके, चलिए पढ़ लेते हैं इसको. ये जो मैंने बातें बताई हैं ये सारी आपको सामने दिखाई दे रही है. द सेल ऑफ अ सर्टेन ऑर्गेनिज्म लेक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है, यानी कि उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, उनमें उसकी कमी होती है, यानी कि वो ढंग से वो न्यूक्लियस जो है वो उनका नहीं दिखाई देगा, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है भाई. कोई भी चीज़ आपको कब दिखाई देगी अच्छे से, जब दिखाई देगी कि जब वो एक जगह कहीं ना कहीं वो पैक होगी, ठीक है. तो उनके अंदर बनी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं दिखाई देता, इंस्टेड दे कंटेन जेनेटिक मटेरियल फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म, और जो उनका जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है. साइटोप्लाज्म आपके जानते होंगे कोशिका द्रव्य, यानी कि एक जो सेल होती है ना, सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड यानी सेल के अंदर का जो पार्ट है, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस तो एकदम बीच में है, ठीक है, तो उसके जो बाहर वाला जो दूसरा ब्लैंक साइड है, जो बिल्कुल इसके चारों तरफ का ब्लैंक साइड है, वो साइटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है. आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि वो साइटोप्लाज्म जो होता है उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिनमें न्यूक्लियर ढंग से नहीं पाया जाता है,
तो वो उनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो वहीं पे फ्लोट करते रहता है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं ना, ये सेल है, ये बैक्टीरिया की दिखाई दे रहे हैं कि ये तो इनका ये पूरी सेल हो गई। अब सेल के अंदर यहाँ ये साइटोप्लाज्म वाला एरिया हो गया, अब तो इनका जेनेटिक मटेरियल आप देख रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियर जो है वेल डिफाइंड नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की नहीं होती है, तो इनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए ये इसी चारों तरफ फ्लोट कर रहा है। सच सेल दैट लाइक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। तो हम ऐसे सेल को जिनके अंदर की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है यानी जिनका न्यूक्लियस वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं रहता है, तो हम उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अगर आप इनको डिवाइड करें प्रोकैरियोटिक वर्ड को, तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियंस का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऑर्गेनिज्म दैट हैव सच सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। तो हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को और ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जिनके अंदर इस टाइप की सेल पाई जाती है, मतलब जो इस टाइप के बने हुए होते हैं जिनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो वेल डिफाइंड नहीं होती है, तो हम उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या प्रोकैरियोट्स। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स आर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो हम इनके एग्जांपल याद रख लेंगे, और देख रहे हैं हम वैसे एग्जांपल्स हैं जो कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। भाई यू का मतलब ई यू, याद रखिएगा इसके स्पेलिंग में मिस्टेक मत कर दीजिएगा। ई यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोट का मतलब कैरियंस का मतलब हो गया न्यूक्लियस, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस यानी जिनमें न्यूक्लियस पाया जा रहा है। ओके, ऑन द अदर हैंड सेल्स हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। यानी वैसी सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड, यानी उनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो इस वजह से न्यूक्लियस जो है वो उनका एक ही जगह है, तो वो सेल्स कैसी कहलाती है, यूकैरियोटिक सेल्स। ऑर्गेनिजम्स दैट हैव सच सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। तो वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग यूकैरियोट्स कहेंगे, यू का मतलब हो गया ट्रू एंड कैरियोट्स का मतलब हो गया न्यूक्लियस। ऑल ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिजम्स अपार्ट फ्रॉम बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी एंड वायरसेस आर यूकैरियोट्स। तो आप ब्लू ग्रीन एल्गी, वायरस और जितने भी वायरसेस हैं और जो बैक्टीरिया है, इनको छोड़ करके आप जो है सभी के सभी वो यूकैरियोट्स। ओके, देख रहे हैं आप यहाँ पे ये यूकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो न्यूक्लियस है ये एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है ना, ऐसा नहीं है इसका जो हम इसके सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो चारों तरफ फिर रहा है, नहीं। ओके, चलिए अब हम एक्टिविटी के जरिए, इस एक्टिविटी में क्या करना है, इस एक्टिविटी में ये एक्टिविटी आपकी ये बात शो करने के लिए, ये समझाने के लिए है, ये आपको बताने के लिए है कि भाई एक जो सेल होती है, एक सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्योंकि भाई हमारे पास माइक्रोस्कोप तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो है नहीं कि हम जा करके अनियन का हम लोग एक छिलका लिए और उसको जा करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जाके सेल को देखें सेल कैसी दिख रही। तो हमें समझाने के लिए कि भाई सेल होती कैसे है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हम एक अंडे की मिसाल लेते हैं ना, अंडे का एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग का एग्जाम्पल लेते हैं, और उस एग्जाम्पल के जरिए से हम समझते हैं कि सेल कैसी होती है। तो अगर आप एक एग लो, तो एग वो आपको मान लीजिए वो एक सेल है, ठीक है, सेल हो गई। उस एग को अगर आप जब तोड़ोगे, मतलब उसको फोड़ोगे अंडे को, तो उसके अंदर आपको दो चीजें दिखेंगी, दो फ्लूड टाइप की दिखेंगी। एक होगा आपका व्हाइट कलर का ना, व्हाइट फ्लूड दिखेगा जिसे आप एल्ब्यूमिन भी कहते हैं। तो वो जो व्हाइट है आप उसको साइटोप्लाज्म मान लो, ठीक है, एक सेल का साइटोप्लाज्म होता है ना, साइटोप्लाज्म। और उसके अंदर आपको दिखेगी एक येलो कलर की, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं येलो पार्ट दिखेगा जिसे आप जर्दी भी कहते हैं। तो ये आपके हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। तो अगर आपको सेल के बारे में जानना है, या मतलब तो सेल के बारे में आपको ये पता लगाना है कि भाई सेल होती कैसे है, तो आप एक अंडे की एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हो। ओके, तो चलिए एक्टिविटी में देख लेते हैं क्या है कि भाई टू ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंगल सेल, यानी एक सिंगल सेल के स्ट्रक्चर को आपको ऑब्जर्व करने के लिए एक हैंड का एग लिया गया है, अ हैंड सेल एंड अ प्लेट, ठीक है। तो आपको इन चीजों की जरूरत होगी, क्रैक द शेल एंड ब्रेक ओपन द एग ऑन टू अ प्लेट। तो उसके बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे आप, जब उसको फोड़ देंगे उसको आप प्लेट में रखेंगे, तो देखेंगे आप द एग हैज अ येलो पार्ट एंड ट्रांसपेरेंट पार्ट सराउंडिंग। तो आपको जो है एग के अंदर एक येलो पार्ट दिखेगा जिसे आप जर्दी कहते हैं, और आपको एक ट्रांसपेरेंट पार्ट दिखेगा व्हाइट कलर का। द ट्रांसपेरेंट पार्ट कॉल्ड एल्ब्यूमिन इज जेली लाइक दैट रिप्रेजेंट्स द सेल्स साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो अगर आप उस ट्रांसपेरेंट को एज अ साइटोप्लाज्म भी ले सकते हैं कि भाई वो सेल का साइटोप्लाज्म हो गया, व्हाइल द येलो पार्ट कॉल्ड योक इज थिकर एंड रिप्रेजेंट्स द सेल न्यूक्लियस, और जो येलो पार्ट है इसको आप एज अ न्यूक्लियस ले सकते हैं। ऑन द इंटरनल साइड ऑफ द शेल कैन बी सीन अ थिन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर। उसके अलावा अगर आप गौर से देखोगे ना, अगर आप अंडे को फोड़ते हुए आप अगर थोड़ा गौर करो वहां पे, तो आपको ना अंडे के अंदर एक और व्हाइट कलर की बिल्कुल मेम्ब्रेन दिखेगी पतली सी। आप ना अंडे को मतलब
अभी जा करके एग को आप फोड़ के देखना, तो आपको एक तो एग की बिल्कुल व्हाइट कलर की जो बाहर की जो कड़ी लेयर होती है उसके बाद भी एक व्हाइट कलर की लेयर दिखेगी, एक मेम्ब्रेन दिखेगी, उसको आप एज अ सेल मेम्ब्रेन ले सकते हैं। ठीक है, वो सेल की मेम्ब्रेन आपने कि भाई एक सेल होगी, सेल के सबसे ऊपर वाला पार्ट सेल वॉल, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी, उसके अंदर आपका साइटोप्लाज्म हो गया, उसके अंदर न्यूक्लियस हो गया, उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने भाई एक एग्जाम्पल के जरिए से समझ लिया कि भाई सेल ऐसी होती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, हिस्ट्री ऑफ द सेल। अब ये सेल किस बंदे ने सबसे पहले देखा, किसने इसको सेल नाम दिया? भाई कोई ना कोई तो होगा ही ना जिसने सेल को पहली बार देखा, या उसने उसका नाम दिया कि ये सेल ही है या ऐसी दिखती है, कोई ना कोई तो हो गई। तो वो जो ग्रेट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको सबसे पहली बार सेल बोला वो थे रॉबर्ट हुक। नाम याद रखिएगा, किन्होंने? रॉबर्ट हुक। ये ऐसे दिखते थे पहले जमाने में, आप जानते हैं पहले जमाने में कोई कैमरा तो था नहीं, तो लोग पोर्ट्रेट बनवा देते हैं ना, उनकी पोर्ट्रेट बनाते थे ताकि भाई उनका दिखाए। तो ये इनकी एक पेंटिंग बनी हुई है। सो ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जो कि 1635 को पैदा हुए थे और 1703 को उनकी डेथ हो गई थी। एन इंग्लिशमैन फर्स्ट डिस्कवर्ड द सेल इन 1664 व्हाइल एग्जामिनिंग अ स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर अ माइक्रोस्कोप। जब वो एक माइक्रोस्कोप के अंदर कॉर्क की एक स्लाइस, कॉर्क किसे कहते हैं देखिए, ये जान रहे हैं आप, ये कॉर्क जो होती है, पेड़ जो होता है, पेड़ की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है जिसे आप सेल वॉल भी कह सकते हैं, मतलब सेल वॉल नहीं, मतलब बाहर की सबसे जो कड़ी लेयर होती है ना उसे आप कॉर्क बोलते हैं। तो जब वो कॉर्क की एक स्लाइस को जब माइक्रोस्कोप में देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि हुक ऑब्जर्व दैट स्लाइस ऑफ अ कॉर्क इज मेड अप ऑफ अ टाइनी हनीकॉम लाइक कंपार्टमेंट्स। कि उन्होंने देखा कि वो जो कॉर्क की जो स्लाइस है, तो पतली सी स्लाइस थी बिल्कुल, उस वो बहुत सारे एक मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, मधुमक्खी का छत्ता देखा आपने, उसमें कैसे कंपार्टमेंट बने हुए होते हैं, कितनी शानदार तरीके से उसके जो कंपार्टमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल भी, मतलब उनकी शेप कितनी अच्छी होती है, और साथ साथ ये कि ऐसे इररेगुलर शेप की नहीं होती, उनमें कंपार्टमेंट्स बने हुए थे। तो उन्होंने देखा है कि उस स्लाइस के अंदर भी बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, अरेंज वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, और वो एक के बाद दूसरे पर मतलब अरेंज है, बिल्कुल अरेंज वे में है। ठीक है, तो ही कॉल्ड दीज कंपार्टमेंट से, तो उन्होंने उस कंपार्टमेंट को, उन कंपार्टमेंट्स को उन्होंने सेल बोला, कि ये एक कंपार्टमेंट एक सेल, दूसरा दूसरे सेल, तीसरा तीसरे सेल, और सारे मिला करके टिश्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है कि जो रॉबर्ट होते हैं उन्होंने जब एक कॉर्क के स्लाइस को देखा तो उन्होंने देखा कि उस स्लाइस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, तो उन्होंने उस कंपार्टमेंट और वो कंपार्टमेंट्स जो थे वो इररेगुलर नहीं थे, वो आपस में अरेंज थे, तो उन्होंने हर कंपार्टमेंट को एक सेल बोला। ठीक है, इट वॉज मच लेटर दैट साइंटिस्ट हैज डिस्कवर्ड दैट द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। उसके बाद बहुत सारे दूसरे साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये बात डिस्कवर की कि जो कोई भी लिविंग थिंग्स होती है वो सेल से बनी हुई है, यानी हर लिविंग थिंग के अंदर सेल होती है, और कोई भी लिविंग थिंग जो भी चीज़ उसकी बनी हुई, कोई भी लिविंग थिंग हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, वो सभी के सभी सेल से बने हुए होते हैं। टूडे बायोलॉजिस्ट स्टडी लिविंग थिंग्स बेस्ड ऑन द सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय द टू जर्मन साइंटिस्ट मैथियस शेल्डन एंड थियोडोर शिवान, द सेल थ्योरी स्टेट्स। उसके बाद आज जो हम लोग पढ़ते हैं, जितने भी बायोलॉजिस्ट होते हैं, तो जो वो जितने भी लिविंग थिंग्स के बारे में जो भी बात पढ़ते हैं, तो वो सेल थ्योरी के, यानी सेल थ्योरी जो हमें जो दो साइंटिस्ट थे जर्मन साइंटिस्ट मैथियस शेल्डन एंड थियोडोर शिवान, तो इन्होंने जो प्रपोज की थी सेल थ्योरी उसको बेस बना करके पढ़ते हैं। ठीक है, द सेल थ्योरी स्टेट्स, यानी सेल थ्योरी, अब सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी ये है कि भाई सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सभी के सभी सेल से बने हुए हैं, या तो एक सेल के बना हुआ होगा, या ज्यादा से ज्यादा दो सेल के बने, सॉरी दो सेल के नहीं, दो से ज्यादा सेल के बने हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि कोई भी सेल जो होती है वो दूसरी सेल से ही राइज होती है, मतलब ये है कि सेल ऐसा नहीं है कि खुद ब खुद पैदा हो जाती है, नहीं, सेल आपस में ही डिवाइड करती रहती है और वो मतलब सेल बनती रहती है, यानी कि कोई भी सेल खुद ब खुद नहीं उगती है, बल्कि सेल दूसरी सेल से, यानी जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है उस सेल से अराइज होती है। समझ में आ रहा है, सेल थ्योरी ये। यू मे बी अमेज्ड टू नो दैट इररेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ द सेल एंड ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ सेल थ्योरी अप्लाइज टू एवरी ऑर्गेनिजम्स इन द वर्ल्ड। आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, यूनिसेलुलर हो, छोटा हो, बड़ा हो, देखने में कैसा भी हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो, एनिमल हो, उड़ने वाली चिड़िया हो, चाहे जमीन में रहने वाले जितने भी जानवर हो, सब पे सेल थ्योरी अप्लाई कर रही है।
सेंचुरी है क्या? सेंचुरी ये है कि सारे ऑर्गेनिजम्स वो एक सेल के बने होंगे या ज्यादा सेल के बने होंगे, और दूसरी बात ये है कि कोई भी सेल जो है वो प्रीएग्जिस्टिंग सेल से अराइज कर रही है, तो ये सेंचुरी जो है वो सबके सभी ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई होती है। ओके चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, प्रिपेयरिंग अ स्लाइड टू व्यू सेल्स। अब हमें किसी भी सेल को देखने के लिए किसी भी, अब हमने जो रोबर्ट होते हैं उन्होंने कॉर्क की स्लाइस को देखा था, तो कॉर्क की स्लाइस को देखने से पहले उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखने से पहले उस स्लाइस को उन्होंने थोड़ा प्रिपेयर किया होगा ना, मतलब वो तो ड्राई सेल थी तो उन्होंने कुछ खास प्रिपेयर तो किया नहीं होगा, क्योंकि ड्राई सेल में कुछ करना नहीं होता है। ड्राई सेल में ये होता है कि जो स्लाइड होती है उसमें जो हमारा स्पेसिमैन होता है उसको रखा जाता है, उसके ऊपर कवर स्लिप लगा दी जाती है और डायरेक्ट देख लिया जाता है। लेकिन अगर हमारा कोई ऐसा स्लाइस है जो कि वेट है ना, ड्राई नहीं है, गीला है, तो हमें उसमें थोड़ा सा कुछ और सॉल्यूशन भी मिलाने होते हैं, तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अब हमें कोई भी सेल को देखना है तो उसके लिए हमें स्लैब को प्रिपेयर करना होता है। कैसे प्रिपेयर करना होता है तो चलिए पढ़ लेते हैं। मोस्ट सेल आर व्यूड विद द हेल्प ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है आजकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, क्योंकि बहुत जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसमें बहुत जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाते, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिख जाते हैं। टू व्यू अ स्पेसिमेन अंडर एनी माइक्रोस्कोप इट हैज टू बी फर्स्ट प्लेस्ड ऑन ग्लास स्लाइड। तो सबसे पहले हमें कोई भी ऐसे स्पेसिमेन देखने के लिए, स्पेसिमेन किसे कहते हैं, नमूना, यानी कि जिसको भी हमें देखना है, जिस भी चीज को हमें देखना है, मान लिया कि हमें अनियन का पीली देखना है, तो उसको हम लोग वहां पे अनियन का पीली नहीं करेंगे, बल्कि कहेंगे अनियन के उस छिलके को, ये नहीं कहेंगे कि भाई हमने अनियन का छिलका लिया हुआ, बल्कि हम ये कहेंगे वो एक स्पेसिमेन है, वो एक नमूना हो गया। ठीक है, तो उस नमूने को सबसे पहले देखने के लिए क्या करेंगे, हम उसको स्लाइड पर रखेंगे। प्रिपेयरिंग द स्पेसिमेन ऑन अ स्लाइड इज कॉल्ड माउंटिंग। तो हम इससे इस जो सिस्टम है ये सॉरी जो ये हम कर रहे हैं प्रिपेयर कर रहे हैं स्पेसिमेन को जो स्लाइड पर हमने रखा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, माउंटिंग, यानी हमने उसको माउंटिंग किया। टू टाइप्स ऑफ माउंट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। यानी लेबोरेटरी में जो है दो टाइप के माउंट्स आपको जनरली प्रिपेयर किए जाते हैं, एक तो होता है ड्राई माउंट और दूसरा होता है वेट माउंट। ड्राई माउंट जैसे कि आपको अगर आप देखना है आपको पोलन ग्रेन्स देखने हैं, ठीक है, वो ड्राई माउंट में आ गया आपका, और वेट माउंट हो गया जो वेट माउंट हो सकते हैं, ठीक है, जो गीले गीले हो सकते हैं, कोई भी फ्लूड हो गया आपका जैसे ब्लड हो गया। सो अ ड्राई माउंट इज जनरली यूज फॉर व्यूइंग इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स। यानी जो ड्राई माउंट होते हैं वो ज्यादातर किसको देखे जाते हैं, जो वैसे ऑब्जेक्ट्स जो कि नहीं से मतलब जो जिंदा नहीं है उनको देखने के लिए किए जाते हैं। एज द टर्म सजेस्ट अ ड्राई माउंट डज नॉट रिक्वायर वाटर। कि ड्राई माउंट को देखने के लिए वाटर की जरूरत नहीं होती। वेट माउंट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड यूजिंग वाटर और ग्लिसरीन एंड आर यूज्ड फॉर व्यूइंग लिविंग स्पेसिमेंस सच एज ऑर्गेनिजम्स एंड सेल्स। जो वेट माउंट्स होते हैं वो ज्यादातर उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, वाटर डाल करके किया जाता है या ग्लिसरीन डाल के किया जाता है, और ज्यादातर ये किसको देखने के लिए, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग स्पेसिमेंस होते हैं, सेल लिविंग सेल होती है, उनको देखने के लिए उनको यूज किया जाता है। इन अ वेट माउंट अ स्मॉल पीस ऑफ द स्पेसिमेन इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्लाइड विद वन और टू ड्रॉप्स ऑफ द वाटर। तो एक वेट माउंट को देखने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि भाई उस वेट माउंट का छोटा सा पीस वो स्लाइड पे रख दिया, स्लाइड के एकदम सेंटर पे रख दिया जाता है, ठीक है, और उस पर थोड़ा सा वाटर डाल दिया जाता है, वाटर की एक या दो बूंदे डाली जाती है। द स्पेसिमेन इज देन कवर्ड विद ग्लव कवर स्लिप। फिर उसके बाद उसको कवर स्लिप से उसको ढक दिया जाता है और उसको फिर माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो आपको दिख जाती है। ओके, इन केस ऑफ परमानेंट स्लाइड्स, अगर परमानेंट स्लाइड्स बनानी है, मतलब ये कि उस स्लाइड्स को जो है दूसरे बाद में भी हम यूज कर सके, तो हम क्या करते हैं, हम वाटर के साथ साथ हमें दूसरी चीजें भी, जैसे कि हमें कोई दूसरा सॉल्यूशन, आयोडीन का सॉल्यूशन हो गया या सेफ्रेनिन, हम लोग आके पढ़ेंगे, उसके सॉल्यूशन को भी डाला जाता है, ठीक है। उससे उस सॉल्यूशन के डालने से क्या होता है कि जो भी चीज़ हमें देखनी होती है, जो भी सेल होती है, वो क्लर्ड हो जाती है, तो जब कोई भी चीज़ क्लर्ड हो जाएगी तो वो हमें ज्यादा अच्छे से दिख जाएगी। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि कैसे एक किसी भी वेट माउंट को देखने के लिए प्लेस स्मॉल ड्रॉप ऑफ सस्पेंशन और स्लाइड, भाई यहाँ पे पहले स्पेसिमेन रखा, उसके ऊपर थोड़ा सा वाटर डाल दिया, ठीक है, वाटर डालने के बाद उसको वो कर दिया, मतलब चारों तरफ फैला दिया, और उसके बाद उसके ऊपर कवर स्लिप लगा दी ऐसे करके, और जब उसको कवर स्लिप लगाने के बाद उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा तो आपको क्लियरली दिख जाएगी। जबकि ड्राई माउंट में ना, ड्राई माउंट द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ माउंटिंग, द ऑब्जेक्ट इज नीली प्लेस्ड ऑन द स्लाइड, उसको रख दिया जाता है स्लाइड पे। जैसे ड्राई माउंट में आपको हेयर
को देखा जाता है ना. दिस माउंटिंग कैन बी सक्सेसफुली यूज फॉर बीइंग स्पेसिमेन लाइक पोलन. पोलन ग्रेन्स को देखने के लिए, फीदर्स को देखने के लिए, हेयर्स को देखने के लिए, नेल्स को देखने के लिए, स्किन एक्सेट्रा. ठीक है, इन सब चीज को देखने के लिए हम ड्राई माउंट का यूज करते हैं. ओके चलिए. द स्पेसिमेन टू बी व्यूड अंडर अ माइक्रोस्कोप इज ऑफन स्कैन्ड विद आर्ट डाई. ठीक है, कोई भी स्पेसिमेन जिसे हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं वो अक्सर डाई हो जाए, डाई कर दी जाती है उनको, मतलब उनको क्लर कर दिया जाता है. Skin highlights biologist tissues and specific regions in the cells, which makes it easier for us to view the details. तो इनको dye करने का मकसद क्या होता है, उनको color करने का मकसद जो इनके पीछे aim होता है, जो मकसद होता है वो ये होता है कि जो अगर हम उनके अंदर कोई भी solution डाल देते हैं तो वो colored हो जाते हैं. colored हो जाने के बाद वो चीज़ें हमें जो है अच्छे से clearly दिख जाती है. Some of the commonly used staining dyes, iodine solution, saffronin, methylene blue and crystal violet. तो उनमें से कुछ जो commonly used किए जाते हैं वो आपका iodine solution हो गया, सेफ्रोनिन हो गया, मेथिलीन ब्लू और क्रिस्टल वॉलेट हो गया. ओके सो आज की वीडियो यहीं तक. आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. आगे हम लोग सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे पूरा, कि सेल कैसी होती है. यस यही टॉपिक है शायद. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो 7th क्लास पे हैं, जो क्योंकि मैं ऑलरेडी 7th क्लास पढ़ा चुकी हूं, उनको आप शेयर कीजिए, साथ साथ 8th क्लास के बच्चों को भी शेयर कीजिए. अस्सलाम वालेकुम.